हेलो फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो उसे देखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं आज आपको फ्री में बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके अपनी वीडियो को बेहतरीन बनाने के लिए दो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जहां से आप फ्री में बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर कॉपीराइट क्लेम से डरने की भी जरूरत नहीं है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और यहां पर जाना है हमें गूगल क्रोम ब्राउजर में। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपना जो चैनल है वो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आपके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं है या आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाली है, तब भी आप इस फ्यूचर का यूज़ कर सकते हो। और यूट्यूब जो है अपने क्रिएटर्स के लिए बहुत सारा फ्री में म्यूज़िक देता है, जिससे कि कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और उसके क्रिएटर्स उसमें नई नई अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर डाल सकें। तो चले फ्रेंड्स, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हम आगे देखते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, ये जो लोगो लगा है मेरे चैनल का, आपके भी फ़ोन में ऐसा ही दिखेगा। तो ये इसके नीचे जो लाइन है, बहुत सारे यहाँ पर जो फीचर दे रखे हैं, तो सबसे जो नीचे वाला फीचर है हमें इसमें जाना है। तो चले हम इसमें चल देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो ये जो ऑडियो लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमें इसको क्लिक कर लेना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आने के बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ से हमें ये जो सारी लिस्ट जो दिख रही है, सारा म्यूज़िक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हमें करना कैसे यूज़ है, तो हमें यहाँ जाना है म्यूज़िक वाले ऑप्शन में। यहाँ पर हमें सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमें जाना है ये जो नीचे लिखा हुआ है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, हमें सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये जितनी भी म्यूज़िक आएगा आपके सामने, ये देखिए पूरी जो लिस्ट है, ये सारा का सारा म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री है। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ना ही कोई एट्रीब्यूट देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सारा म्यूज़िक यहाँ से फ्री में डाउनलोड करके अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो और अपनी वीडियोज़ को भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसको सर्च करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको आगे ये भी बताऊँगा जो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक जो निकाल के रखा है, अगर आपको उसमें से कोई म्यूज़िक पसंद आता है तो आप उसमें से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से म्यूज़िक को सर्च करना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसमें आप कई तरीके से म्यूज़िक को सर्च कर सकते हो, जैसा कि है ट्रैक टाइटल के हिसाब से, जेनरे के हिसाब से, मूड के हिसाब से, और आर्टिस्ट का जो नेम होता है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर म्यूज़िक को सर्च कर सकते हो, और ड्यूरेशन के द्वारा भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। हम जाते हैं सबसे पहले ऑप्शन में जो है ट्रैक टाइटल। यहाँ पर मैंने एक म्यूज़िक देखा था, इसमें उसका नाम है मेट्रो, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेट्रो लिखने के बाद में यहाँ पर हमको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम इस म्यूज़िक को सुन लेते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया है। तरीके से आप ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का ये म्यूजिक है। इसमें बहुत सारे म्यूजिक हैं। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा और भी अच्छे अच्छे म्यूज़िक कैसे कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिया होता है कि इस म्यूज़िक को आप आगे करके भी सुन सकते हो, क्योंकि शुरू में थोड़ा धुन अलग होती है और बाद में थोड़ा सा और अच्छा बजने लग जाता है ये। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये म्यूज़िक मुझे सेव करके रखना है कि मैं आगे मुझे कभी भी जल्दी से ढूंढना ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक इसमें मिलेंगे आपकी वीडियोज़ के लिए, क्योंकि कुछ लोग किड्स की वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग अपना टैग वाली वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग अपना ट्रैवल ब्लॉग वगैरह जैसे वीडियोस बनाते हैं। तो सबके लिए अपना अलग अलग म्यूज़िक चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे भी आपको कोई भी म्यूज़िक आपने सर्च किया, आपको अच्छा लगा, पसंद आया वो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है स्टार वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टार है, यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर देना है। तो ये जो म्यूज़िक है आपका स्टार में, ये जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा म्यूज़िक साउंड्स इफेक्ट, ये साउंड इफेक्ट और स्टार्ट, तो यहाँ पर आपका ये सेव हो जाता है। ये देखिए, मैंने बहुत सारे यहाँ पर म्यूज़िक सेव कर रखे हैं इसी तरीके से, जब मैं चाहूँ इनको डाउनलोड करके अपने काम में ले सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। तो हमें जाना होगा थर्ड, ये सेकेंड वाला ऑप्शन में साउंड इफेक्ट। यहाँ पर जाने के बाद में आपको बहुत सारे
साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं इस तरीके से आप इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। अपनी वीडियो के लिए आपको यहाँ से बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे फ्री में। तो चलिए मैं आपको कुछ जो मैंने आपके लिए सेव कर रखे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं, इसमें आगे करने का भी ऑप्शन आता है, इसको आप आगे करके भी देखिए। अगला म्यूजिक हम सुन लेते हैं। और ये थर्ड वाला भी हम, तो देखा फ्रेंड्स आपने, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक आपको फ्री में डाउनलोड। अब बात करते हैं हम इन म्यूजिक को हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से इन म्यूजिक को अपनी वीडियोस में हम डाल सकते हैं वो ऑप्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना है इधर साइड में, जितने भी ये म्यूजिक है यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये है डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने, जो मैंने पहले डाउनलोड कर रखा था, इस तरीके से डाउनलोडिंग फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। ये म्यूजिक जो है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको अपनी म्यूजिक में या किसी भी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम जो हमारा YouTube है वो खुद अपने क्रिएटर्स के लिए बहुत सारा म्यूज़िक फ्री में देता है। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉपीराइट की, आपके सामने कभी ये समस्या नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई नई टैक्स से जुड़ी वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलती रहें।